फेलियर तब नहीं होता जब आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, फेलियर तब होता है जब आप गिव अप कर देते हो। एग्जामिनेशन से पहले आप ये मान बैठते हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके बहुत सारे इश्यूज रहे होंगे, कुछ बच्चों की फैमिली प्रॉब्लम्स रही होंगी इस वजह से वो नहीं पढ़ सके हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे जिनके कुछ मेडिकल चैलेंजेस रहे हैं, वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी खुद की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स रही हैं। मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ सोल्यूशंस के बारे में। अगर आपको आज की डेट में, जब आप ये आज 20 सितंबर को वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ, इवन बज रहे होंगे तकरीबन 2 सुबह के 2 बज रहे हैं, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना क्यों पड़ रहा है? बहुत सारे बच्चे पिछले कुछ दिनों से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि सर मुझे क्या ये नवंबर अटैम्प्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सर मैं मई 2020 का अटैम्प्ट दे लूँ क्या? और उसके पीछे वो लॉजिक बता रहे हैं कि सर मुझे इन्होंने बोला या मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स का कहना, या कई बार तो मेरे टीचर्स भी कह देते हैं कि बेटा तुम्हें इस बार स्किप कर देना चाहिए। क्यों भाई? अगर मैं आपसे कहता हूँ, आप पिछले टाइम का आप सारे वीडियोज उठा के चेक करो, जब मैं लास्ट टाइम आया था बिल्कुल फ्रेश था इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग के लिए, तो इस बारी तो ऑलरेडी आई हैव गेन मोर एक्सपीरियंस ना, तो आपके लिए तो मैं पहले से अवेलेबल हूँ। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी आपको आज के टाइम में ये बोल देता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, उसके पास के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। मैं आपसे बोलता हूँ, अगर आपने एफर्ट डाला है, और मान लेते हैं ऐसे बच्चों के बारे में भी जिन्हें अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है, वो अभी भी इस कन्फ्यूजन में है कि मुझे एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और इस कन्फ्यूजन के साथ साथ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है। मैं उन बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं फिल करा इस डर की वजह से कि फेल हो जाएंगे। भाई इतना डर किस लिए? और ये वो सिचुएशन है जहाँ पे आप एक्चुअली फेल हो जाते हो। मैं बात उन बच्चों के बारे में कर रहा हूँ जिन्होंने ये गट्स फीलिंग दिखाई कि यस फॉर्म भरते हैं यार, देखते हैं क्या होता है। और मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा, मैं आपके साथ हूँ, ये CTC फैमिली आप लोग के लिए काम कर रही है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ और ये बिलीव दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने इस ड्यूरेशन में अगर कोई आपसे ये बोलता है कि अगले 40 दिन में आप नहीं कर सकते, या फिर क्या क्या करोगे तो आपसे फिर भी नहीं होगा, यार फेलियर तब नहीं होता ना जब आप ये मान बैठते हो, जब आप एग्जामिनेशन से पहले मान बैठते हो तो जाके फेलियर आपको सहना पड़ता है। मैं आपसे सिंपली बोलना चाहूँगा, अगर आपकी स्ट्रैटजीज, आपकी गोल सेटिंग प्रॉपर है, कभी देखा ऐसे बच्चों को जो पूरे साल किताब लेके पढ़ते रहते हैं, पूरे 6-6 महीने किताब लेके पढ़ते हैं, उनको फ़ोन करो उनके पास टाइम नहीं होता, वो भी तो फेल होते हैं, क्यों फेल होते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं बताता। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे ने कुछ महीने पढ़ाई नहीं करी, उसके पीछे उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लोग उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे होते हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करा कि सर मेडिकल चैलेंजेस की वजह से मैंने पढ़ाई नहीं कर पाई, या फिर सर कुछ फैमिली इशू थे इस वजह से मैं अभी तक पढ़ाई मेरी हुई नहीं है, सर मैं क्या करूँ? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आप कर सकते हो। अगर ये 40 डेज भी लोग देखते हैं ना कि यार एक बच्चा वो है जो एक जीनियस बच्चा है, जीनियस माइंड वाला है, और वो आप हो सकते हो। सोच के देखो, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक कौन कौन इसको शेयर कर रहा है, कौन सा बच्चा इसको देख रहा है, बट मैं आप सबसे बात कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सोचना पड़ेगा, आपको एक ऐसा बच्चा भी होता है जो लास्ट के 20 डेज 30 डेज 40 डेज में स्ट्रैटजी बनाता है कि मुझे किस तरीके से इस इंट्री लेवल एग्जामिनेशन को, CA फाउंडेशन को क्लियर करना है। वही बच्चा वो भी है जो पूरे 8 महीने 6 महीने बहुत पढ़ता है, पूरे टाइम किताब लेके कोने में पड़ा रहता है, उसे जब भी पूछो यार कैसा चल रहा है, भाई बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, वो क्यों फेल हो जाता है, कोई लॉजिक बताए उसका ना। और वही वो जीनियस बच्चा जो आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हो जो कि पूरे साल पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वो 6-8 महीने का जो टाइम पीरियड है CA का नहीं पढ़ पाता हो, लेकिन उसके बावजूद अगले 40 दिन वो डिसाइड करता है कुछ भी हो जाए ये एग्जामिनेशन मैं क्लियर करके रहूँगा। वो जो दर्द है ना 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से फेल होने वाला, वो नहीं होने वाला मेरे साथ, ऐसा कुछ स्ट्रैटजी बनाता है। लोग बोलते इतने सारे सब्जेक्ट पेपर में नहीं आते, पेपर का पैटर्न उठा के चेक करो, पेपर हमेशा टॉपिक वाइज बनता है। किन टॉपिक से? अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, सिंपल सा टास्क है, टॉपिक उठा के चेक करो कौन से टॉपिक रिलेवेंटली बार बार आए हैं, कौन से टॉपिक का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है, चैप्टर कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो। बहुत सारे बच्चे मैथ को लेके परेशान है, अकाउंटेंसी को लेके परेशान है, भाई जो कॉमर्स साइड वाला है वो मैथ को लेके परेशान है, जो मैथ साइड वाला है अकाउंटेंसी को लेके परेशान है। आप सबसे कह रहा हूँ, बिजनेस लॉ लोगों के लिए नया है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटजी प्रॉपर हो जाए और आपको ये पता चल जाए, समझ जाओ, बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी प्लान कर रखे हैं, बना भी रखे हैं, आप जाके चेक
चेक करो उनको, आपको एक चीज़ समझ आएगी कि अगर आपने टॉपिक वाइज पढ़ाई कर दी तो आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा अगले 10 दिन में यार पास तो हो सकते हैं और ये सितंबर मंथ आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बना सकते हो। और अगर सितंबर 30 तक अगर आपको ये बिलीव हो गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अक्टूबर में आप जान लगा दोगे। यार जिंदा हो यार, तुम वो लोग हो जो कर सकते हो। लोग अगर कहते हैं कि तुमसे नहीं हो सकता, साइड करो उनको और उनको पूरा मौका दो ये बोलने का कि वो दोबारा बोल दें आपको तुमसे नहीं हो सकता। बट जब रिजल्ट आएगा तो बहुत प्यार से जाना है, मुस्कुराना है और उन्हें दिखाना है कि आपने उन्हें कर दिखाया। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनानी है। मुझे नहीं पता आप क्या करने वाले हो, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे आप कैसे डिज़ाइन करोगे अगले 40 दिन को अपने लिए। होप फॉर दी वेरी बेस्ट और मिलता हूँ आज शाम 6 बजे आपसे नए टॉपिक के साथ।